लोग का मोटिवेशन लेवल ऑलमोस्ट सब लोग का कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएशन बोले तो कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? यस गाइस, वेलकम बैक ऑन माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है सर और आप देख रहे हैं सर फुटबॉल 7। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोटिवेशन को समझना क्यों चाहिए। देखिए, मोटिवेशन को अगर आप समझेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी आएगी। किस चीज़ को लेके? जो भी आप वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे उसमें। मोटिवेशन को जब आप समझेंगे तो आप अनहेल्दी और मैल अडैप्टिव बिहेवियर को अवॉइड कर पाएंगे। जब मोटिवेशन को समझेंगे तो आप अपने वर्क में अपना बेस्ट दे पाएंगे। मोटिवेशन को जब आप समझेंगे तो आप अपनी लाइफ के ऊपर अपना कंट्रोल ला पाएंगे। तो इसीलिए मोटिवेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है। तो अगर हम लोग मोटिवेशन को डिफाइन करें तो मोटिवेशन को बोलेंगे हम लोग, मोटिवेशन इज समथिंग विच प्रॉम्प्ट कंपेल और एनर्जाइज एन इंडिविजुअल टू एक्ट और बिहेव इन अ पर्टिकुलर फैशन एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर अटेनिंग सम स्पेसिफिक गोल और पर्पस। हिंदी में सिंपल वे में बोले तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, आपको बिहेव करने में मदद करे ऐसे कि आप अपने गोल को अचीव कर लें। मोटिवेशन के पीछे कौन सी चीज़ें होती हैं जो गाइड करती हैं मोटिवेशन को? वो तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन पे आता है नीड। नीड जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे? नीड जो होती है उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आपकी क्या वॉन्ट है, क्या डिज़ायर है, कौन सी ऐसी ज़रूरत है जो आपको फोर्स कर रही है, आपको मोटिवेट कर रही है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, ये होती है नीड। नंबर सेकंड पे हम लोग बात करते हैं ड्राइव की। नीड जो होती है वो हम लोग की ड्राइव को बढ़ा देती है। उससे हमारा नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करने का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, आपकी ड्राइव की जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, वो डिपेंड होती है कि आप कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं अपनी नीड में। अगर ना समझ में आए तो एक बार बैक करके फिर समझने की कोशिश करिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और अगर इसको और आसान लैंग्वेज में बोले तो आप कितना ज़्यादा पागल हैं अपनी नीड को लेकर, ये मैटर करता है। ठीक है, ड्राइव ये होती है। अब हम लोग बात करते हैं मोटिव क्या होता है। नंबर थर्ड पे आता है मोटिव। मोटिव एक ऐसी चीज़ है जो नीड और ड्राइव का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो मोटिव जो है वो एक स्टेट ऑफ माइंड होती है जो हम लोगों को एक हम लोग के अंदर एक टेंशन लाती है, एक अर्ज लाती है जिससे कि हम लोग कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें। और मोटिव जो होगा वो हमारा गोल ओरिएंटेड होता है। कोई गोल सेट करते हैं, हम लोग मोटिवेट होते हैं और उस गोल को अचीव करने के बाद एक सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। तो ये चीज़ होती है मोटिव। मोटिवेशन के पीछे यही तीन फैक्टर होते हैं, क्या? नीड, ड्राइव और मोटिव। इन तीनों चीज़ों को मिला के मोटिवेशन बनता है। तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, आजकल हम लोग का मोटिवेशन लेवल ऑलमोस्ट सब लोग का कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएशन बोले तो कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? उस प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे नंबर वन क्या, आपको कॉन्फिडेंस लाना है, कॉन्फिडेंस फील करना है, कॉन्फिडेंस लाना है अपने अंदर। नंबर सेकेंड पे आपको क्या करना है, अपने गोल्स को एडजस्ट करना है। ठीक है, और जो आप कि लाइफ में जो गोल जो आपको ज्यादा मैटर कर रहे हैं तो उनको पहले आप फोकस करें। नंबर थर्ड ये है कि आपकी लाइफ में गोल्स हैं, ठीक है, अच्छे गोल्स हैं, बड़े गोल्स हैं, बट उन गोल्स को सेट किया आपने, आप वर्क कर रहे हैं उसके लिए, बट आपका मोटिवेशन लेवल लो हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसी प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए आप अपने गोल्स को पार्ट्स में डिवाइड करिए और उन पार्ट्स को अचीव करने की कोशिश करिए, सो दैट आपकी मोटिवेशन लेवल जो है वो कॉन्स्टेंट रहे। तो मोटिवेशन पे बहुत सारी वीडियो बन सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बट वो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। जैसे कि कौन से इंटरनल फैक्टर होते हैं, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कौन से पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, कौन से नेगेटिव मोटिवेशन होता है, और कैसे क्या अराउजल होती हैं जिससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो वो सब चीज़ें भी आगे वीडियो में लाऊंगा, उसको डिस्कस करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।